नमस्कार दोस्तों, अगर आपके भी ड्राइविंग लाइसेंस में आपका मोबाइल नंबर गलत है या मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है तो दोस्तों अब ड्राइविंग लाइसेंस और मोबाइल नंबर को अपडेट करना ज़रूरी हो गया है, क्योंकि परिवहन विभाग द्वारा भेजे जाने वाले सूचना SMS के द्वारा ही भेजे जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि घर बैठे बैठे आप अपना मोबाइल नंबर अपने ड्राइविंग लाइसेंस के साथ कैसे लिंक कर सकते हैं, यानी कैसे अपडेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इसे चेक करने के लिए आपको गूगल पर आना है और टाइप करना है परिवहन सारथी और इसे सर्च करना है। इसके बाद आपको परिवहन सारथी के वेबसाइट को ओपन करना है। इसके बाद इंटरफेस कुछ ऐसा होगा। अब आपको ऑनलाइन सर्विसेज पर क्लिक करना है और ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज को सिलेक्ट करना है। इसके बाद पोर्टल कुछ ऐसा होगा। यहाँ पर आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना है जहाँ से आपका ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ है। इसके बाद आपके स्टेट का पोर्टल खुल जाएगा। अब आपको अदर्स पर क्लिक करना है और मोबाइल नंबर अपडेट को सिलेक्ट करना है। इसके बाद इंटरफेस कुछ ऐसा होगा। अब आपको सिलेक्ट क्राइटेरिया पर क्लिक करना है। अगर आपके पास लर्नर लाइसेंस है तो लर्नर लाइसेंस सिलेक्ट करना है। वहीं अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो ड्राइविंग लाइसेंस सिलेक्ट करना है। वहीं अगर आपके पास कंडक्टर लाइसेंस है तो कंडक्टर लाइसेंस सिलेक्ट करना है। यहाँ पर हम ड्राइविंग लाइसेंस सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर लाइसेंस इशू होने का डेट फिल करना है और यहाँ पर आपको ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर फिल करना है। अगर आपके ड्राइविंग लाइसेंस में कोई स्पेशल करेक्टर है तो उसे फिल नहीं करना है और ड्राइविंग लाइसेंस का फॉर्मेट फॉलो करना है। यानी सबसे पहले आपको स्टेट का कोड फिल करना है और उसके बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट का कोड फिल करना है और फिर आपको एक स्पेस देना है और इसके बाद आपको आगे का नंबर फिल करना है। अगर यह फॉर्मेट आप फॉलो नहीं करेंगे तो सबमिट करने के समय आपको एरर मिलेगा, जिस वजह से आप अपना मोबाइल नंबर अपडेट नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, इस फॉर्मेट को फॉलो करना बहुत जरूरी है। आपको ड्राइविंग लाइसेंस नंबर में कोई स्पेशल करेक्टर नहीं फिल करना है और स्टेट कोड और डिस्ट्रिक्ट कोड के बाद आपको स्पेस देना बहुत जरूरी है और उसके बाद आपको बाकी का नंबर फिल करना है और इसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करना है और उसके बाद आपको सबमिट करना है। अब यहाँ पर आप अपना पर्सनल डिटेल देख सकते हैं। यहाँ पर आपका नाम शो करेगा, यहाँ पर आपके फादर, मदर या हस्बैंड का नाम शो करेगा और यहाँ पर आपके ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर शो करेगा और उसके बाद यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ शो करेगा। अगर आपका मोबाइल नंबर ऑलरेडी अपडेटेड है तो यहाँ पर शो करेगा, अगर नहीं है तो ऐसे ही ब्लैंक शो करेगा। तो दोस्तों, मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए आपको प्रोसीड पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है और यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर कंफर्म करना है। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर चेंज करने या अपडेट करने का रीजन बताना होगा और उसके बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, उसे यहाँ पर फिल करना होगा और OTP को वेरीफाई करना होगा। अब आप देख सकते हैं OTP वेरीफाई हो चुका है। इसके बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। अब आप देख सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस में मोबाइल नंबर अपडेट हो चुका है, यानी लिंक हो चुका है। तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया है अब आपके ड्राइविंग लाइसेंस में मोबाइल नंबर ऑनलाइन कैसे अपडेट करना है और इसकी क्या प्रक्रिया है और इसके लिए आपको सरकारी ऑफिसों के चक्कर भी नहीं लगाने पड़ेंगे और घर बैठे बैठे इसे आप अपडेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर वहीं आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।